रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं पर अग्निपथ स्कीम थोप दी। अग्निपथ तब लाते जब सामान्य भर्तियां कर लेते। सामान्य भर्तियों से पहले ये 4 साल वाली नौकरी लाकर सरकार ने ही युवाओं के मन में शक का बीज खुद बोया है कि सामान्य भर्तियां अब आर्मी में होंगी भी या नहीं। सरकार में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं देश की युवा पीढ़ी पर थोपने से पहले कोई होमवर्क नहीं किया गया। बहुमत का मतलब ये कतई नहीं होता कि कुछ भी देश के नागरिकों पर लाद दिया जाए। रात में आपके दिमाग में आइडिया कुलकुलाया और सुबह आपने किसान कानून बना दिया। रात में आइडिया सूझा और सुबह नोटबंदी कर दी। दोपहर में बैठकर सोच लिया कि भाई लॉकडाउन लगा दिया जाए। 4 साल से भर्तियां आपने नहीं की थी और जब भर्ती करने की घोषणा की तो सीधे 4 साल का अग्निवीर बना दिया। हर चीज का एक तरीका होता है, लेकिन बहुमत वाली सरकारें खुद को खुदा समझ लेती हैं। 5 साल की सरकार को अचानक 1 साल का कर दिया जाए तो नेताओं की सांसें उल्टी चलने लगेंगी। लेकिन बिना किसी तैयारी, बिना किसी संवाद के जनता पर फैसले लादना सरकार की आदत हो चुकी है। हिंसा किसी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है, लेकिन तानाशाही से लोकतांत्रिक देश चलाना संवैधानिक नहीं है। सेना के लिए जाना चाहते हैं, हमको नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है, देशभक्त हैं, जुनून है, सिर्फ सेना में जाना है। सेना में नौकरी करने की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए सरकार नौकरी का छोटा सा पैकेट लेकर के आई है जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है। सरकार युवाओं को 4 साल का अग्निवीर बनाना चाहती है, लेकिन युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहता है। अग्निवीर नहीं बनना है, हम लोग जवान बनना है। हाँ। अग्निवीर नहीं बनना है। वैसे भी नौकरी सेना की हो या सफाई कर्मचारी की, 4 दिन के बाद कोई पैदल नहीं होना चाहता। पूरे उत्तर भारत में रेलगाड़ियों का हर पथ अग्निपथ बन चुका है। युवाओं में गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये सब बालक मुसलमान होते तो कोई बात ही नहीं होती, मुसलमान कहकर देशद्रोह साबित करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन ये सब देश के लिए मर मिटने की कसम खा चुके सेना की तैयारी करने वाले नौजवान हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि सरकार की अग्निपथ स्कीम से युवाओं में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों भरा है। उसके 6 कारण है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। युवाओं के गुस्से का पहला कारण यह है कि 4 साल से सरकार ने सेना की भर्तियां रोक रखी थी। कोरोना के कारण भारत में कोई काम नहीं रुका, लेकिन भर्तियां रुक गई। 4 साल में बहुत से युवा ओवर एज हो गए। सेना का एक एग्जाम हुआ, वो भी कैंसिल कर दिया गया। अब सरकार अचानक 4 साल वाली अग्निपथ स्कीम लेकर आ गई। युवा पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है भाई, वो सामान्य भर्तियां जिनको आप कैंसिल करते चले आ रहे हो उनका क्या होगा। दूसरा कारण यह है कि छात्रों का कहना है कि नॉर्मल भर्तियां कीजिए, अग्निवीर और कोयला वीर अब बाद में भरते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने 4 साल से सामान्य भर्तियां नहीं की हैं और अब जब आपने भर्ती निकाली है तो अग्निवीर की लॉलीपॉप पकड़ा दी है। युवाओं को अब लग रहा है कि सरकार ने अग्निपथ भर्ती नहीं, हमारे अरमानों की अर्थी निकाल ली है। दोस्तों, अगर आप भी सेना में जाने का सपना रखते हैं तो देश के वीर जवानों के संघर्ष को आपको जानना बेहद जरूरी है और सही ज्ञान के लिए आपको कुकू एफएम डाउनलोड करना होगा। हर घर में कुकू एफएम सुना जाता है। यहाँ 4000 से भी ज्यादा विषयों की ऑडियो बुक्स हैं। यहाँ माइथोलॉजिकल, बायोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री जैसे 4000 से भी ज्यादा विषयों की ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं। जैसे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की ऑडियो बुक भी आप सुन सकते हैं जिसमें इंडियन आर्मी के सबसे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के जीवन को आप बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। साथ ही भारतीय सेना के हौसले के प्रतीक केएम करियप्पा कैसे एक बेहतर पति, पिता और जाबाज ऑफिसर साबित हुए वो भी जानेंगे। अगर आप मेरे प्रोमो कोड घर 50 यानी GHAR50 का इस्तेमाल करेंगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन जो कि 399 रुपए का है वो आपको सिर्फ 199 का मिल जाएगा। तो देर मत करिए, ऑफर केवल 11 से 19 जून तक का ही है। सेना की तैयारी कर रहे युवाओं के गुस्से का तीसरा कारण यह है कि युवाओं को लगता है कि जैसे दूसरी नौकरियों में आरक्षण को कुचलने के लिए सरकार ने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है, बिल्कुल वैसे ही जब सेना को हर साल 45,000 जवान मिले तो क्रॉस कटिंग करने वाली सरकार, कंपनियां बेचकर जीविकोपार्जन करने वाली सरकार सामान्य भर्तियां निकालेगी, इसकी क्या गारंटी है भाई। युवाओं के गुस्से का चौथा कारण यह है कि सरकार कहती है कि लगभग 45,000 अग्निवीर हम भर्ती करेंगे। युवा कहते हैं कि ठीक है, करिए। सरकार कहती है कि हम 4 साल के बाद आपकी नौकरी की सेवा समाप्त कर देंगे। युवा कहते हैं कि चलिए जी ठीक है, यह भी ठीक है, करिए। सरकार कहती है कि 4 साल में 75% की सेवा समाप्त हो जाएगी और 25% अग्निवीरों को आगे की नौकरी दी जाएगी। अब ये ट्रेनें फूकने वाले अग्निवीर कहते हैं कि जब आप 25% अग्निवीरों को रोक लेंगे तो सामान्य भर्ती कैसे करेंगे, आपके पास मैन पावर तो उधर से पूरी होती रहेगी, आप सामान्य भर्ती निकालेंगे ही नहीं। देश भर में मचे बवाल का 5वां कारण यह है दोस्तों कि ट्रेनें फूंक रहे अग्निवीर कहते हैं कि अगर उनसे 4 की जगह 5 साल की नौकरी कराई जाती तो उनको ग्रेच्युटी मिलती तो सेवा समाप्ति के बाद उनको पूर्व सैनिक का दर्जा मिलता,
पूर्व सैनिक का दर्जा मिलता तो मिलिट्री अस्पताल कैंटीनों का लाभ उनको और उनके परिवारों को मिलता। इसको लेकर के भी लड़के सब ट्रेन की पटरियों पर अग्निवीर बने पड़े हैं। ट्रेनें फूंक रहे अग्निवीर सवाल उठा रहे हैं कि सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स में भर्तियां करने में सरकार को दर्द क्यों हो रहा है, अलग अलग जातियों के रेजिमेंट्स क्यों खाली पड़े हैं, और सबसे जरूरी बात, अग्निवीर बनने के लिए भी सामान्य भर्ती वाला ही प्रोसेस होगा और सामान्य भर्ती के लिए भी अग्निवीर वाला प्रोसेस होगा। एक में 4 साल और दूसरे में 16 साल की नौकरी, ये कौन सी बात हुई भाई? सरकार को मर्ज ठीक करने के लिए उसकी नब्स पकड़नी पड़ती है। किसी पर भी कुछ भी लाद कर आंदोलनों के इंतजार नहीं करने चाहिए। देश के युवा, देश के किसान कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप योजनाएं बनाएं, बना बना कर चेक करते रहें और देश को आंदोलनों की आग में झोंकते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोज कर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा, साथ आएंगे तो सच कहने वाले मुंह और बढ़ जाएंगे, और मुंह बढ़ेंगे तो सरकारों की 14 इंच की मोटी दीवारों के उस पार तक सच की आवाज़ पहुंच जाएगी। नमस्कार।